नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से। साई वाणी को प्रारंभ किया, समाधि के 100 साल के बाद भी बाबा की कीर्ति पूरे घर घर में पहुंच रही है और शिरडी के साई बाबा के जीवन में जो भी उन्होंने अपने भक्तों को सहनशीलता सिखाई, श्रद्धा रखने का जो फल मिलता है और सबूर के साथ चलने का जो मार्ग होता है, वो अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाला चीर आदरणीय बन जाता है। उसी के तौर पर हमें करना है, हमें नहीं भूलना है जो हमें साई ने शिक्षा दी है और उसी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सत्य और अहिंसा के साथ साथ अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान के माध्यम से तय करके आगे पहुंचना है। वो पहुंचना एक चलने का फल होता है। जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे हम पहुँच जाएंगे। कैसी जीवन में जिंदगी जब लोग जीते हैं तो जब शांति से और सुकून भरी जिंदगी जीते हैं तो उनको उतना जीवन के बारे में जीने का जो एहसास है वो नहीं होता है। जहाँ तक मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को भगवान की याद तभी आती है जब उनके जीवन में कोई बड़ा दुख आता है या उनको कोई समस्या हर दिन हर समय तकलीफ देती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भगवान एक वो शक्ति है जो इंसान को सही मार्ग पर चलने से हमेशा एक तत्पर करती है, और इसीलिए अगर जब हम देखेंगे तो हर समय हमारे जीवन में द्विधा मनस्थितियाँ होती है। कभी कभी हमारा अंतर मन एक चीज़ चाहता है, बाह्य मन एक चीज़ चाहता है, और हम द्विधा अवस्था में हमेशा जूझे रहते हैं कि हम तय नहीं कर पाते हमें जीवन में क्या करना है। करने का लक्ष्य होता है, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन मार्ग नहीं दिखता। उस समय भगवान की याद आती है तो साई भगवान शिरडी के साई बाबा का जो वचन है वो हमेशा श्रद्धा और सबूरे के साथ है, सबका मालिक एक। और श्रद्धा सबूरे के साथ प्रारंभ करो और जारी रखो इसी विचारधारा से जो मैंने बाबा के आशीर्वाद से प्रयास किया, ये है मेरा प्रयास। साई वाणी को साई योग और साई ध्यान, साई क्रिया और साई विचार से जोड़ने से अभी जब घर घर में साई वाणी पहुंच रही है तो बाबा ने अपने जीवन में जो भी अपने भक्तों के लिए किया वो समर्पित भाव से किया, अपनी माटी से अपनी मट्टी से उन्होंने जुड़ के किया। इसलिए बहुत बार कह चुके हैं हम कि वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया। जब उनका एहसास होता है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। आज मैं एक श्रद्धा के ऊपर आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारा पूरा फेथ होता है ना वही हमें फल मिलता है। जब हम कभी द्विधा मनस्थिति में होते हैं ना कि हमें चाहिए नहीं चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पा लेते हम। आज भी मैं कहूँगा, भगवान जब नीति के शास्त्र सिखा रहे थे कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडव क्षेव किम कुर्वत संजय, और इसमें जब आखिरी बार जो श्लोक कहा गया, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम, क्यों ये चीजें हुई? क्यों कुरुक्षेत्र के पहले लड़ाई से लेके आखिरी बार जब कृष्ण भगवान का साथ और अर्जुन का योद्धा और नीति का मार्ग, साई बाबा ने अपने जीवन में दिए हुए लक्ष्य और मार्ग अगर आप अपने जीवन में आत्मसात करोगे, उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कि आप भगवान के घर में हमेशा देर होती है भाई और बहनों, अंधेर कभी नहीं होती। आपके साथ गलत व्यवहार करने वाले शायद कुछ चीजें आगे चली जाए, गलत पैसा कमा के लोग थोड़े आगे चले हुए दिखेंगे, लेकिन आगे जाके देखना वो रुक जाएंगे, और वो जब रुकते ना तो बहुत बुरी तरह से रुकते हैं। आप चिंता ना करें, किसी के प्रति भी बुरा मत सोचिए। आप हमेशा अपने जीवन में अच्छा कार्य को फल को मानो, शांत रहो। जितनी गहरी और जितनी शांत सांस लोगे ना उतनी जीवन सुंदर और खुश है। जितनी जोर जोर से सांस लोगे ना उतनी सांस फूल जाएगी, गुस्सा आएगा, गुस्से में गलत कदम उठाओगे, और गलत कदम उठाने से अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ने से फिर हमारे लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। हम होते कुछ भी नहीं है, लेकिन हम खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। हम होते कौन है? मैं भगवान मीरा की एक कहानी आपको यहाँ कहना चाहता हूँ। माँ भगवान मीरा ने इतना हर भगवान को अपने जीवन में एक 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 ऐसे भक्त मिले जिन भक्तों के साथ भगवान का नाम जुड़ गया और बड़ा हो गया। सच कह रहा हूँ मैं ये बात, आप ठीक से समझिएगा। भाईजामा महासापति जो शिरडी में बाबा के लिए उन्होंने पूरा त्याग समर्पण किया, आज भी भगवान कृष्ण के लिए मेरा संत मेरा माँ का नाम लेना चाहिए। उन्होंने इतनी ऐसी तपस्या की, विठल भगवान की तपस्या। जनाबाई ने अपने घर का संसार करते हुए अपने सास और
इनका पूरी तरह से जो त्याचार थे वो सहते सहते उन्होंने भगवान का नाम स्मरण नहीं छोड़ा, भगवान खुद उसको प्रसन्न हुए। हमारे यहाँ संत तुकाराम महाराज जी के भक्त संतों वो निलोवा राय ने सिर्फ और सिर्फ उनके वीजा बना के बिना बजा के श्रद्धा से भक्ति की। जो भी विचारधारा आती है सिर्फ श्रद्धा श्रद्धा से आती है, और श्रद्धा ऐसी नहीं बनती। अगर हमारा मार्ग अच्छा है, हमारा विचार अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, हम अतिरेक किसी चीज का ना करें। मैं नहीं कहता हूं कि आप इस चीज को मानो, आप अतिरेक मत करो, ज्यादा करने की कोशिश जिस दिन आप करने लगते हो ना उस दिन आप हार जाते हो, इतना याद रखो। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं है। ज्यादा मीठा खाओगे डायबिटीज होगा, ज्यादा तीखा खाओगे पेट में अल्सर होगा, ज्यादा जो भी एक्सरसाइज करोगे वो गंदा है, बुरा है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैं संस्कृत में एक बात यहां कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में पात्रता और क्षमता के साथ जियो। पात्रता बढ़ाते बढ़ाते जियो, ना कि दबा के। खुशी से, समाधान से, शांति से, तृप्ति से, भक्ति से, योगिक मार्ग से, ध्यान से, और सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे इंसान के तौर पर जो आप समाज में बदलाव चाहते हो ना, वो खुद में पहले बदलाव लाना शुरू करो। मैं बहुत तहे दिल से आपको कहना चाहता हूं, साईं वाणी का बाबा ने अपने जीवन में हर क्षण जो जो शिरडी में रहे, हर क्षण में उन्होंने जो संदेशा दिया है, अत्याचार करने वाले लोगों को भी बाबा ने ठीक किया, क्योंकि उनका मार्ग अच्छा था। उनको अत्याचार बाबा ने कभी कभी सह लिए, लेकिन उनको भी बाद में महसूस हुआ, रियलाइजेशन हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हम गलत कर रहे हैं। कभी हमारा बच्चा हो, बच्ची हो, लड़का हो, लड़की हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कभी कभी भटक जाते रास्ते से, तो भटकने के बाद उनको मौका दीजिए सुधरने का। मुझे विश्वास है अगर वो अंदर से बदलेंगे तो जरूर बदलेंगे, बाहर से नहीं। बाहर से बदला हुआ मोटिवेशन के बारे में मेरी निजी राय मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी को दुखाने के लिए बात नहीं करता हूं, बट मेरी निजी राय जरूर सुन लीजिएगा कि मोटिवेशन जब मिलता है ना बाहर से, तो बाहर तक ही सीमित हो जाता है, कुछ चंद घंटों के लिए होता है, लेकिन जिसको अंदर का दिया जला उसको किसी बाहर के दिए की जरूरत नहीं है। किसी भूख लगे हुए इंसान को नहीं कहना पता कि करना पड़ता कि रोटी के प्रति आपको कोई मोटिवेशन होना चाहिए। जहां जहां इंद्रिय सूखे होती है, इंद्रिय सुख पाना चाहते हैं, वहां कभी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। गंदी गंदी चीजें बच्चे आज देखते हैं, उनको बताना पड़ता है कि कोई ये साइड देखो, वो तो खुद देखते हैं क्योंकि इंद्रिय सुख है उसमें। अच्छी अच्छी चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं, खाने के लिए, वो इंद्रिय सुख है। सुनने के लिए गलत गलत बातें, कोई किसी के बारे में अगर बुरा बोल रहा है तो कान लगा के हम बैठते, सुनने में अच्छा लगता है। इंद्रिय सुखा सी पीछे जो मत भागेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ लीजिए भाई और बहनों, रास्ता तय करके चलिए, भटक मत जाइए, रास्ता तय करके जीवन में मार्ग को तय करिए। मैं अभी बहुत सारी चीजों से, लोगों से जुड़ा हूँ, ध्यान से माध्यम से हो, योग माध्यम से हो, साई वाणी के माध्यम से हो, विचारों के माध्यम से हो, शक्ति के और भक्ति के विचारों के साथ साथ सबका मालिक एक। और मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ, मार्ग एक ही हो, वो सबका मालिक एक है। बंटवारा मत करो जात जात में, हम सब भाई बहन एक है। आपका अगर है ना तो आप अपनी क्षमता बढ़ाओ, ये विश्व आपको पूरा देने के लिए बैठा है। पैसा ही कमाना चाहते हो तो अच्छे मार्ग से जरूर कमाओ, क्यों नहीं कमाना चाहिए। ज्ञान कमाना चाहते हो वो तो शाश्वत है, आप रहे ना रहे ज्ञान रहेगा। पैसे से आपको कुछ मोहल्ले तक लोग पहचानेंगे, लेकिन ज्ञान पूरा विश्व से आपको पहचानेगा, कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। और ज्ञान के साथ चारित्र भी होना चाहिए और उसके साथ साथ आचरण भी होना चाहिए। हमारा शरीर मंदिर है, इसके लिए कभी व्यसन मत करो। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कभी व्यसन मत करो। जिस दिन आपको व्यसन की लत लगेगी आप अपने जीवन में फंस जाओगे, कोई शक नहीं। आज अच्छा लगेगा लेकिन एक दिन बुरा आएगा, क्या फायदा है उसमें। आखिर तक जब एक सांस बंद होगी तब आपको एक बात का महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मैं किस लिए जिया, मैं क्यों जिया, मैं क्यों आया था यहाँ। ऐश करने के लिए, मजा करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ जीवन में लोगों को देने के लिए मैं आया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में। मोटिवेशन अंदर से आएगा, भगवान की भक्ति भी अंदर से आएगी। जिसको बुलाएगा साईं बाबा जरूर बुलाएंगे। आप श्रद्धा सबूरी के साथ जोड़ो, ध्यान के साथ जोड़ो, खुद को जानो, पूरा पांडित्य मत बनो, एक विचार ले लो और उसके लिए जीवन समर्पित करो, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। एक विचार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति साईं वाणी कटिबद्ध है। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से मैंने मेरे जीवन में शुरुआत किया और मैं आज
इस मुकाम तक पहुंचा हो कि मुझे आज करोड़ों से 10 करोड़ से ज्यादा लोग साई वाणी से जुड़ चुके हैं। आस्था चैनल और आस्था भजन और मेरे खासकर मेरे परम मित्र धीरज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा बालाजी दिन रात मेहनत करता है, सुदर्शन मेहनत करता है, हमारा संदीप मेहनत करता है, हिमांशु मेहनत करता है, हमारे सभी मित्र लोग आज जुड़े हैं हमसे और कहते हैं कि सुनील जी हम आपको ऐसे ही, आज मुझे बहुत बार शिखर ने कहा, चाचू मैं जब बात सुनता हूँ आपकी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक नौजवान लड़का अपने सब विचार, यंगस्टर्स जिसका विजन है कि कुछ करके दिखाना चाहता है, व्यापार उद्यम करना चाहता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से जुड़ा है। इस बात को हम नहीं भूलेंगे, कतई नहीं भूलेंगे, क्योंकि ध्यान का मार्ग एक शांति का मार्ग है, समाधान का मार्ग है और शक्ति और भक्ति का मार्ग है। उसमें इतनी सच्चाई होती है भाई और बहनों, वो अपने दिल से छू जाती है और साईं बाबा की ये भक्ति दिल से छूने वाली भक्ति है। ये भक्ति कोई ऐसी असाधारण भक्ति नहीं है। जो भी बाबा ने जो भी अपने कार्य में किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, वो मेहनत करने वाले लोगों के लिए, खेती करने वाले लोगों के लिए, सच्चाई के साथ पर चलने वाले लोगों के लिए बाबा ने आशीर्वाद दिया। वो है, वो आज भी है, वो आज भी आप जो सुन रहे हो साई वाणी में उनके विचार है। मैं कौन हूँ, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मुझे जो भी शक्ति आज आपके सामने मैं लगातार 6 महीने से बोल रहा हूँ और मैं आगे जिंदगी भर जब तक मैं बोलूंगा तब तक बाबा की वाणी गाता रहूंगा, उसमें कोई शक नहीं, कोई दोरा नहीं है। मेरी शक्ति, मेरी भक्ति, मेरी ताकत, मेरा विचार, मेरा समर्पण, मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ साई के चरण में लीन है, क्योंकि साई ने जो आप लोगों की जिंदगी बदलने का, जो मैं छोटा सा कार्य कर रहा हूँ उस कार्य को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बाबा की शक्ति है भक्ति की शक्ति। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी लोग शिरडी में आए और जब खुद अनुभव पाए तो वो बदल गए। वो बदलना कोई बाहर से नहीं था, वो बदलना अंदर से था। अप दीप भव, जब अपना दिया जलाया जाता है भाई और बहनों, दूसरों को दिए की जरूरत नहीं होती है। अपनी शक्ति, एक बीज अच्छी तरह से बोया जाएगा पूरे धरती में हरियाली बना सकता है। एक बीज, सिर्फ एक बीज, और वही बीज अगर सड़ गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। कितनी मैं कहानियां, सूफी कहानियों में तो मैंने बहुत बात कही है। सूफी संतों ने हमेशा संदेशा दिया है और संदेशा ये दिया है कि आप ध्यान से जुड़ो। सबने अंतिम यही कहा है, आपके अंदर परमात्मा है, आपका आत्मा और वो परमात्मा का अगर जिस दिन मिलन होगा उस दिन खुशी से समा जाओगे, आप खुशी से रहोगे। मरता नहीं आत्मा कभी, जल वायु किसी से भी नहीं, अग्नि से भी नहीं, आपसे भी नहीं, किसी भी नहीं। पंच धातु में अगर लीन होना है तो पंच धातु से जुड़ना चाहिए। इसलिए हम जमीन पर बैठ के, मैं आज एक वचन आप सबको देता हूँ, पहला गुरु मंत्र है ये कि आज कोई भी अपने घर में कितने भी डाइनिंग टेबल क्यों ना हो, जमीन पर बैठ के खाना खाओ। इतने शास्त्र सोक्त फायदे हैं जो अभी हम आयुर्वेदा के माध्यम से लेके आ रहे हैं। आज मैं बात कहूंगा आप सबके साथ, ये आयुर्वेदा के माध्यम से जो मेरे शब्द आए, मेरे विचार आए हैं, वो भक्ति के साथ जुड़े हुए विचार है, उसमें कोई शक नहीं, कोई दोरा नहीं। ये भक्ति शक्ति कहाँ से आती है, ये हमारे अंदर से आती है, क्योंकि आप में है। अंगुली मार, जब महान अंगुली मार हुआ, वाल्मीकि ऋषि, जब वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले कौन थे? नर का नारायण बन सकता है अध्यात्म की ताकत से, साई के आशीर्वाद से और खासकर ध्यान से। खासकर प्रारंभ करो, जारी रखो से, कोई भी कठिन कार्य हो हाथ में ले लो। मैं नहीं कहता, अभी कोई एक मुझे विद्यार्थी मिला कुछ दिन पहले, मैं अवध ओझा सर से एक बार मिलना चाहूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका। जब वो इकरा के UPSC के गाइडेंस करते, मुझे ऐसा लगता है एक फिलोसोफर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मेरे जीवन में बर्बाद हुआ और जब मुझे 8 महीने के बाद मैं हरिद्वार रहा तो मेरे पिताजी मिलने आया और किसी ने मुझे, उनको है मदद नहीं की, उनके पिताजी ने की, और उन्होंने कहा बाबूजी मैं आपको वापस नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने कहा आपसे कौन मांगता है, मैं जब तक जिंदा हूं मेरा बेटा कभी पैसे के लिए तरस न जाएगा। एक बाप का जब उन्होंने वो उदाहरण दे रहे थे, मेरे आंखों आंसू लगातार आंसू आ रहे थे, क्योंकि एक बाप का हृदय था। साई का हृदय अपने सभी भक्तों के प्रति उसी बाप का हृदय है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन याद रखना एक चीज, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये विचार है, ये भावना है, ये समर्पण है, ये त्याग है, ये अपनापन है, जो आप बोएंगे वही उगने वाला है। इसीलिए साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। ये खुशी आप लोगों के जीवन को बदलने की खुशी है, ये आप लोगों के जीवन में सही मार्ग पर लाने की खुशी है। अपने माँ बाप किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा गौर करो। और फिर याद रखना, जिस दिन आपको आपके जीवन का लक्ष्य समझ में आएगा ना,
आपको ये छोटी छोटी चीजें कभी डाइवर्ट नहीं करेगी। साई वाणी का प्रारंभ है जीवन में खुशियाई लाना, सिर्फ उस खुशियाँ के प्रति जुड़े रहना। प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउड़ गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहां साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मिति करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मिति की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने saiwanitrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saiwanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।